हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो है आधार कार्ड Q&A वीडियो। जितने लोगों ने मतलब मुझसे आधार कार्ड के बारे में जो भी क्वेश्चन और सवाल पूछा है, उनका मैं इस वीडियो में रिप्लाई देने वाला हूं। जो मुझे मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा कमेंट, वो कमेंट का इस वीडियो में रिप्लाई देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैंने मतलब बहुत सारा कमेंट आया है, सारे कमेंट का तो जवाब नहीं दे सकता हूं, मगर जो इम्पोर्टेंट है उनका मैं कमेंट का इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं, जिन भाइयों ने मुझसे मतलब पूछा है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और गाइज, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक हफ्ते में एक Q&A वीडियो आएगा आधार कार्ड के ऊपर। आपको जो भी क्वेश्चन मतलब आधार से रिलेटेड पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहला सवाल जो है, मोहम्मद रशीद भाई, मैं DOB बर्थ सर्टिफिकेट, मेरे पास DOB बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। कह रहे हैं कि हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्या आधार कार्ड से ही बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आधार कार्ड से अगर बनवाना चाहें तो आप आधार कार्ड से बनवा सकते हैं। अगर आधार कार्ड देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के थ्रू, आपका आधार कार्ड का नंबर, ठीक है, तो ऐसे डिटेल देना होता है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कुछ ऐसा। ठीक है, तो ऐसे आप डिटेल दे दीजिए, और जो आपको DOB चाहिए, जो आपको जो भी DOB चाहिए, नेम चाहिए, वो उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा सवाल आता है राहुल, ये क्या पूछ रहे हैं, सर बिहार वाले कैसे अपडेट करा सकते हैं? अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या बिहार वाले हाई स्कूल के मार्कशीट से अपडेट करा सकते हैं? सर बिहार वाले अगर वीडियो बनाइए। देखिए, मैं तो आपको बताते चलूं कि बिहार वालों के लिए मैंने एक पर्सनली वीडियो बना रखा है, और जितने भी बिहार के लोग हैं, अगर उनको मतलब बिहार के लोग ज़्यादा आर्मी ज्वाइनिंग जो भी है, IAS जो भी तैयारी करते हैं, बिहार के लोग ही तैयार मतलब सिलेक्शन होते हैं, और बहुत मेहनती वाले होते हैं बिहार के लोग, और उनको हमारे तरफ से सैल्यूट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं से आर्मी का जो भी भर्ती होता है बिहार से ही होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के लिए पर्सनली एक वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों का आधार कार्ड लिमिट क्रॉस अपडेट नहीं हो रहा है तो मैं अपडेट कराऊँगा, बस आप लोग दो बार अपडेट करा के स्लिप मेरे को भेजो। ठीक है, और बाकी जो UDI का नियम है, जो बिहार वालों का मतलब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है आप बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब आप मार्कशीट पे भी अपडेट करा सकते हो, लेकिन UP वालों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। ठीक है, तो किसी का बर्थ सर्टिफिकेट के बिना भी हो जा रहा है, जो पहली बार कराए हैं, और जो दूसरी बार कराना चाहते हैं उनके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट रहता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको खुद UDI बता रहा है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और अपना आधार कार्ड आप खुद ईमेल करो, या आप अपना डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप अपने रीजनल ऑफिस सेंड कर दो, मतलब जो कोरियर कर दो। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप सबसे अच्छा है कि आप मेल करना है, PDF अटैच करके, एक PDF में तीनों फाइल को अटैच करके मेल कर देने पे वो आसानी से पहुंच जाता है 1 मिनट के अंदर में। ठीक है, तो अब तीसरा सवाल आता है, ये पूछते हैं विशाल चौहान, सर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व दिखा रहा है लेकिन रिजेक्ट हो गया है, प्लीज़ सर हेल्प कर दो। तो देखिए विशाल भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आपने मेल किया होगा, फिर मेल का रिप्लाई आया होगा, तो उसमें आपको एक सबके साइड ही मिलता है, तो उससे आपने चेक किया होगा तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व दिखाता है। ठीक है, जब प्रॉब्लम सॉल्व दिखाता है उसके बाद आपके मोबाइल पे फिर से एक UDI की तरफ से अपडेट का मैसेज आता है। ठीक है, अपडेट का मैसेज आता है तो आपका डेट ऑफ बर्थ अपडेट होगा, अभी नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्व दिखा रहा है, आप स्टेटस शो करोगे, पुराना वाला ही रिजेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो अभी वेट कीजिए आप। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये चौथा है, टच विथ अंकित भाई। अंकित भाई ने ये पूछा है, सर मैंने 11 सितंबर को अपडेट कराया था और 16 सितंबर को मेरे फ़ोन पे अपडेट का मैसेज आ गया है, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ। तो मैं अंकित भाई आपको बताना चाहता हूँ कि आपने 11 सितंबर को बायोमेट्रिक कराया होगा और आपके मोबाइल पे अपडेट का मैसेज आ चुका है,
और आप जब चेक किए होंगे तो आपका पुराना वाले ही शो कर रहा होगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ हो रहा है, आप ही नहीं हो एक, ठीक है। तो इससे घबराने की बात नहीं है, आप कुछ दिन वेट कर लो, क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ा UDI के साइड में वेबसाइट जो है सारा चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके वजह से ये हो रहा है, आपको परेशान होने की बात नहीं है, कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल करते हैं अनिल आर्मी, ये क्या पूछ रहे हैं सर, बर्थ सर्टिफिकेट किस डॉक्यूमेंट से बनता है। तो सर, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो अच्छा है, नहीं तो आप ऐसे डिटेल लिख के दे सकते हो, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मनीष यादव जी ने पूछा है सर, फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा। ये देखो, ये प्रॉब्लम बहुत हो रही है यार, मैं 2-3 वीडियो में ये भेज रहा हूँ। देखो, मैंने अभी एक वीडियो मेरा अपलोड हुआ है एक दिन पहले, जो कल अपलोड हुआ था, सेल्फ डेकोरेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। कितने लोग कह रहे हैं सर डाउनलोड के जगह पे मैसेज कर वो सीन आ रहा है, तो आप लोग वहाँ पे क्लिक कीजिए और जैसे मैं अप्रूवल कर दूंगा तो आपको डाउनलोड PDF फाइल मिल जाएगा। क्योंकि यार मैं बहुत सारे लोगों का नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैंने लिंक उसमें दे रखा है। तो मैं, आप लोग मैसेज करो, मैं एक्सेप्ट करके मैं आपको भेज दूंगा, आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, उससे कोई बात नहीं है। तो अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं, टेक्निकल भूपेंद्र जी ने पूछा है सर, आप रिप्लाई नहीं देते हैं। अरे यार भाई भूपेंद्र भाई, आई एम रियली सॉरी, मैं रिप्लाई क्यों नहीं देता हूँ कि ऑफिस टाइम में बिजी रहते हैं, अगर फ्री होता हूँ तो सबका रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि हज़ारों मैसेज आता है और उसमें बहुत लोगों का छूट भी जाता है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल है टी सीरीज, मतलब इनका चैनल है कोई टी सीरीज के नाम से, वो ये पूछे हैं सर, मैंने फ़ोन नंबर अपडेट कराया था, अभी अपडेट नहीं हुआ, 15 दिन हो गए। सर, आपने अगर अपने मोबाइल फ़ोन से अपडेट कराया होगा तो 15 से 1 महीना भी लगता है। अगर आपने इनरोलमेंट सेंटर से कराया होगा, जो आपको स्लिप मिलता है बायोमेट्रिक, तो वो आपका 7 से 8 दिन में होने का चांस होता है, ठीक है। तो अगर आपका नहीं हुआ है तो वेट कर लीजिए। थर्मेश कुमार सर, मेरा ID वाला जब स्टेटस चेक कर रहा हूँ तो उसमें कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, लिख के XML इनकोरेक्ट बता रहा है। ये क्यों बताता है मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये XM इनकोरेक्ट क्यों बताता है। जब आप, ये प्रॉब्लम कब आपको आता होगा, जब आप सबके साइड से अपना प्रॉब्लम स्टेटस, आधार स्टेटस चेक करते होंगे, ठीक है। तो वहीं पे अगर आपने एक भी जो डिजिट है वो गलत लिख दिया तो ये आता है, आप डिजिट सही लिखिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व दिखाएगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप नेटवर्क इशू, आपने कोई मिस्टेक किया होगा, इसके वजह से आ रहा है। और लास्ट सवाल है हमारा सर, ईमेल कैसे करते हैं, इस पर वीडियो बना दीजिए। सर, मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, ईमेल कैसे करते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ठीक है। और कितने लोग ये पूछ रहे हैं, मतलब भरना ज़रूरी है, तो मैं आपको बता दूँ कि गाइस, सेल्फ डेकोरेशन फॉर्म जो है वो आपको अनिवार्य है भरना, क्योंकि ये लिमिट क्रॉस का एक, समझो एक फॉर्म है, तो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगर आपको भी कुछ सवाल पूछना है आधार से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सारा कमेंट था, लेकिन मैंने 10 कमेंट जो ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखा, मैंने इनका रिप्लाई दिया है। और अगले हफ्ते फिर एक और Q&A वीडियो आएगी, और एक एक हफ्ते में एक एक Q&A वीडियो आएगी। आप लोग जो भी चीज़ पूछना है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ला दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए भाई को इजाज़त, और हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।